इसके अंदर अच्छा काफी रिकॉर्डिंग को स्टॉप ना करें, ठीक जी सर, है? मेरे ख्याल में किसी ने रिकॉर्डिंग को कुछ किया है, नहीं? ठीक है। अच्छा ये देखिएगा, ये सुजूद एक लफ्ज है और इसके अंदर सीन जीम वाओ दाल चार हरूफ है। ये एक लफ्ज है, इसके अंदर चार हरूफ है। अब आप मुझे बताइए कि ये मसजूद, ये भी एक लफ्ज है, इसके अंदर कितने हरूफ हैं? मैसेज करके बताएंगे आप कि सर आवाज थोड़ी मसजूद कट जो रही। लफ्ज है इसके अंदर कितने हरूफ हैं? फाइव, पांच सर, एग्जैक्टली। ठीक है, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, पांच हरूफ है। अच्छा अब आप देखें, ये चार अल्फाज है, इन चार अल्फाज में आपने उन हरूफ को मेंशन करना है जो सबके अंदर कॉमन है। ऐसे हरूफ आप मेंशन करें जो इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, जो मुश्तरक है सब में। सीन मैसेज जीम करें सब दाल। स्टूडेंट्स, मैसेज करें सब स्टूडेंट्स, मैसेज करें कि इन चार अल्फाज में कौन से ऐसे हरूफ हैं जो कॉमन है, सबके अंदर है वो। जी मैसेज करें। जी मजीद तलबे करा मैसेज करें। गुड, सीन जीम दाल, स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है कि सीन जीम और दाल ये ऐसे हरूफ हैं जो सबके अंदर कॉमन है। यहाँ भी है सीन जीम दाल, यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी है। अच्छा ये वाओ कॉमन नहीं है? नहीं, यहाँ पे वाओ नहीं है, यहाँ पे भी वाओ नहीं है। अच्छा ये अलिफ कॉमन नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं है, ना यहाँ पे अलिफ है, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे। मीम इन दोनों में तो है लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो फकत सीन जीम दाल है जो कॉमन है। इस सीन जीम दाल को हम कहते हैं हरूफे असलिया, हरूफे असलिया जो इसके असल रूप है। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं रूट लेटर्स, रूट लेटर्स हैं ये स्टूडेंट्स। सीन जीम दाल ये रूट लेटर्स जिनको हमने हरूफे असलिया कहा, अपने सारे के सारे अल्फाज में मौजूद है। सीन जीम दाल को हम हरूफे असलिया भी बोलते हैं और हम सीन जीम दाल को मादा भी बोलते हैं। मादा जिसमें इंग्लिश में कहते हैं मटेरियल, जो नेम मटेरियल है, जरूरी मटेरियल। सॉरी इसी सर, तरह इसमें इसको जी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है। समझ तो आ रही है बट थोड़ी मुश्किल से समझ आ रही है। आवाज क्लियर नहीं है। जी, जस्ट वन मिनट, आवाज वही फिर शायद आंधी है इसलिए से समझ आवाज तो आ रही क्लियर है, थोड़ी नहीं आ रही। क्लियर नहीं है और समझ आ रही है। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, ठीक है, जस्ट वन। जी अब बताइएगा, आवाज आ रही है क्लियर? जी सर, आप क्लियर है। वकास भाई बताइएगा, आवाज क्लियर है? अब जी सर, आप क्लियर आ रही है। आपकी आवाज नहीं आएगी, मैंने माइक लगा दिया है। आप मैसेज करके बताइएगा, मैसेज करके बताइएगा, अब आवाज क्लियर है? चले ठीक है। वो इनफैक्ट ये है कि अब वकास भाई की मुझे आवाज नहीं आएगी, तो चले मैं फ्रॉम टाइम टू टाइम देखता रहूंगा, मजीद मैं मैसेजेस चेक कर लेता हूं, अगर अब आवाज क्लियर है तो। जी क्लियर है अब आवाज, ठीक है, गुड। चलिए थोड़ा सा हम रिपीट कर देते हैं कि ये सीन जीम दाल ये तीन हरूफ ऐसे हैं जो इन चार अल्फाज में कॉमन है, मुश्तरक है। सीन जीम दाल सुजूद में भी है,
साजिद में भी है, मस्जिद में भी है और मस्जूद में भी है, सीन जीम दाल। हम ये जो कॉमन हरूफ होते हैं इन सब अल्फाज में, उनको कहते हैं हरूफ असलिया। इंग्लिश में इनको कहते हैं रूट लेटर्स। इसी सीन जीम दाल को हम मादा भी कहते हैं, इसी को हम मटेरियल भी कहते हैं, इसी को हम स्टेम भी कहते हैं। स्टेम, स्टेम जिसका मतलब जड़ होता है, यानी जो एक्चुअल लेटर्स हैं, जो हरूफ असलिया हैं, ठीक है। तो असल ये हरूफ असलिया, मैं आपको इंग्लिश में इसकी मिसाल देता हूं। इंग्लिश में हम क्या करते हैं, हमने एक वर्ड लिखा है सक्सेस, फिर हम कहते हैं सक्सेसफुल, ठीक है, फिर हम कहते हैं अनसक्सेसफुल। तो जो रूट लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सक्सेस, ये रूट लेटर्स हैं, और हमने एडिशन किया है फुल का और अन का। लेकिन इंग्लिश में ये जो स्टोरी है ये बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है कि हम स्टार्ट पे या एंड पे हम किसी मजीद अल्फाबेट्स को ऐड कर देते हैं, लेकिन ये दरमियान में हम नहीं छेड़ते, यहां पे हम कोई तब्दीली नहीं करते, यहां पे कोई तब्दीली नहीं करते, जबकि अरबिक में दरमियान में भी तब्दीली हो जाती है। ये इंग्लिश और अरबिक लैंग्वेज का डिफरेंस है। इंग्लिश में दरमियान में तब्दीली नहीं होती, ये रूट वर्ड है सक्सेस, ये हरूफ असली हैं। हम या तो इनके शुरू में कुछ लगा सकते हैं या इनके आखिर में कुछ लगा सकते हैं, दरमियान में हम कुछ नहीं कर सकते। जबकि अरबिक में क्या होता है, अगर हमने कहा है साजादा, तो बजाय इसके हम यहां भी कुछ लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं, और हम जीम के बाद सीन के बाद अलिफ भी ले आए हैं साजिद, हमने दरमियान में आके चेंजिंग कर दी है। जो हरूफ असलिया थे उनके दरमियान में हमने चेंजिंग कर दी है, जबकि इंग्लिश में दरमियान में चेंजिंग नहीं होती। हाँ, कुछ अल्फाज हैं गिने चुने, जैसे मैन, ये हम दरमियान में चेंजिंग करते हैं, हम एक ही जगह ई लगा देते हैं तो मैन जमा बन जाती है, वो कुछ अल्फाज हैं, वो गिने चुने हैं। लेकिन अरबी के अंदर सारे के सारे अल्फाज तकरीबन ऐसे हैं कि हम दरमियान में चेंजिंग कर देते हैं। ये साजादा से मस्जूद, शुरू में मीम लगाया और जीम के बाद अलिफ ले आए, मस्जूद, दरमियान में तब्दीली हो गई है। तो इसलिए इंग्लिश में हरूफ असरिया को ढूंढना बहुत आसान है, वो हमें पता है, वो एक एक सीधा सीधा लफ्ज होगा। लेकिन अरबिक में जरा मुश्किल है, इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन एज कंपेयर टू दिस अरबिक में मुश्किल है इन हरूफ असरिया की पहचान करना। और ये हरूफ असरिया की पहचान का आज हम तरीका अंडरस्टैंड करेंगे। आज आपको बताया जाएगा कि हरूफ असरिया की पहचान का क्या तरीका है, ठीक है। यहां तक अगर आपको आवाज क्लियर है तो काइंडली मैसेज कीजिएगा। जी क्लियर है यहां तक, ठीक है। हमारा आज का डियर स्टूडेंट्स जो लेसन है वो ये है कि हरूफ असलिया की पहचान कैसे हो, हरूफ असलिया, ठीक है। अच्छा, जो हरूफ दो तरह के होते हैं, हरूफ असलिया और हरूफ जायदा। जो हरूफ असलिया ना हो वो जायदा हो जाते हैं। आइए देखें अरब लोगों ने क्या किया है, उन्होंने फा, ऐन और लाम, ये तीन हरूफ आप याद रखें। हमने हर लफ्ज का, हर लफ्ज का वजन करना है, वजन। वो वजन क्या होता है, मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूं कि वजन किसको कहते हैं। अरबिक का जो भी लफ्ज होगा हमने उसका वजन मालूम करना है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं मस्जूद, मस्जूद, तो मस्जूद का वजन बनेगा मफ़ऊल। ये वजन है, ये जो नीचे है ना, ये वजन है मफ़ऊल।
ठीक है, मसजूद का वजन बना है मफऊल। अच्छा, ये वजन बनाने की कोई लॉजिक नहीं है, कोई तरीका नहीं है, ये आपको प्रैक्टिस से पता चलता है। जो इल्मु सर्फ है, जो मोर्फोलॉजी है, जिसमें हम वर्ड फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं, लफ्ज बनाने के तरीके को डिस्कस करते हैं, उसमें हमने सारे के सारे वजन ही पढ़ने हैं। जिस बंदे को वजन आते हैं उसको लफ्ज बनाना आ जाएगा। मसजूद का वजन है मफऊल, ये नीचे एक वजन हमने लिख दिया मफऊल। अब आप देखें मीम के मुकाबले में आ रहा है मीम, सीन के मुकाबले में आ रहा है फा, जीम के मुकाबले में आ रहा है ऐन, वाओ के मुकाबले में आ रहा है वाओ, और दाल के मुकाबले में आ रहा है दा लाम। अब देखें कि जो हरूफ फा ऐन और लाम की सीध में है वो हरूफे असलिया होंगे। ये लाइन नोट कर लें अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है। जो हरूफ फा ऐन लाम की सीध में आ जाएं उनको हरूफे असलिया कहा जाता है। ये लाइन याद कर लें, इसको भी हम इंप्लीमेंट करते हैं। जो हरूफ फा ऐन लाम की सीध में आ जाएं वो हरूफे असलिया होंगे। देखें सीन ये फा की सीध में आ गया, सीन को हम साइड पे कर लेते हैं। जीम ये ऐन की सीध पे आ गया, हम जीम को भी साइड पे कर देते हैं। और ये जो दाल है ये लाम की सीध में आ गया, तो हमने दाल को भी साइड पे कर दिया। तो जो फा ऐन लाम के मुकाबले में आ जाए, जो फा ऐन लाम की सीध में आ जाए उनको हरूफे असलिया कहा जाता है। और जो हरूफ फा ऐन लाम की सीध में ना आए, जैसे कि मीम है और मीम और वाओ, ये फा ऐन लाम की सीध में तो नहीं ना, मीम तो मीम की सीध में है और वाओ वाओ की सीध में है। तो ये जो मीम और वाओ है, क्योंकि ये फा ऐन लाम की सीध में नहीं है, इनको हम कहेंगे हरूफे जायदा। तो ये दो लाइनें आपने याद रखनी है, जो हरूफ फा ऐन लाम की सीध में आ जाए वो हरूफे असलिया, और जो हरूफ फा ऐन लाम की सीध में ना आए उन्हें हरूफे जायदा कहेंगे। यहां तक अगर बात क्लियर है तो मुझे मैसेज करें। अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये जितनी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा, ठीक है। ये वजन आपको बताने पड़ेंगे मफऊल, ये आप बार बार वजन बनाएंगे, आपको एग्जाम्पल सी जाएंगे, तो ये खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। ये चीज विद द पैसेज ऑफ टाइम आती है, वक्त के गुजरने के साथ साथ, मिनल आनी फसाइदा, ये अब से लेकर आपको ये चीज आना इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने औजान को डिस्कस करना है। अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि जो फा ऐन लाम की सीध में है वो हरूफे असली है, और जो फा ऐन लाम की सीध में नहीं है वो हरूफे जायद है। जी काइंडली मुझे मैसेज करके बताइएगा। ठीक है, क्लियर है, गुड। अच्छा, ये जो लफ्ज़े मफ़ऊल है इसको हम कहेंगे वजन, वजन, क्योंकि इसके जरिए हमने इस लफ्ज़ को परखा है, जांचा है। और ये जो मसजूद है इसको हम कहेंगे मौजून, जिसका हमने वजन किया है, मौजून। ये आपने लफ्ज़ याद रखना है, मौजून, ठीक है। अच्छा, मैं एक फिर बात रिपीट कर देता हूं, जो हरूफ फा ऐन लाम की सीध में है वो हरूफ असली है। अब एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तवज्जो के साथ आपने सुननी है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, जिन बच्चों की इबारत कमजोर होती है, जिन स्टूडेंट्स की, तलबा इकराम की इबारत कमजोर होती है, एक मेजर प्रॉब्लम उनमें क्या है, वजन नहीं निकाला जाता, वजन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। ये देखिएगा, ये है फा, और ये फा की सीध में कौन जा रहा है, सीन, ठीक है। हम सीन को कहेंगे फा कलीमा, सीन को, क्योंकि सीन फा की सीध में है, तो सीन का हमने नाम रख दिया है फा कलीमा। यहां पे ऐन के मुकाबले में जीम आ रहा है,
ऐन के मुकाबले में कौन आ रहा है? जीम। तो हम जीम को कहेंगे ऐन कलीमा, ऐन कलीमा। इसी तरह लाम के मुकाबले में दाल आ रहा है तो हम दाल को कहेंगे लाम कलीमा। तो पता ये चला, ये देखिएगा फा ऐन लाम, ये फा ऐन लाम है और ये फा कलीमा है, ये ऐन कलीमा है, ये लाम कलीमा है। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि फा ऐन लाम और चीज है और फा कलीमा ऐन कलीमा लाम कलीमा ये और चीज है। फा ऐन लाम तो सिंपल ये है और फा कलीमा कौन सा है जो इसकी सीध में आ गया, ऐन कलीमा कौन सा, ये जीम जो इसकी सीध में आ गया, और लाम कलीमा कौन सा, दाल जो इसकी सीध में आ गया है जी। अगर ये बात क्लियर है तो बताएं, फिर हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप साथ कर सकते हैं जी। इसके लिए इसका स्क्रीनशॉट अगर आपने लेना है तो ले लें। अच्छा, अब यहां पे मैं एक लफ्ज लिखने लगा हूं और उसका वजन मैं खुद बनाऊंगा, ठीक है। यहां पे लफ्ज लिखा जाता है मुनाज़रातुन, मुनाज़रातुन, ठीक है। इसका अब इसका आपको वजन अगर नहीं बनाना आता तो मैं बता देता हूं, अभी वजन बनाने में मुश्किल होगी लेकिन वजन मैं खुद बना लूंगा इसका। इसका वजन है मुफा आलातुन, मुफा आलातुन। सबसे पहले आप ये देखें, आपने ये बताना है कि लफ्ज मुनाजरा के हरूफ असरिया कौन कौन से हैं। मैसेज करें कि मुनाजरा के हरूफ असरिया कौन कौन से हैं। हरूफ असरिया वो होंगे जो फा ऐन लाम की सीध में आ जाएंगे, और सीध आपने खुद बनानी है जहन जहन में, फिर उसके बाद मैं भी करके दिखाऊंगा। गुड, बकिया स्टूडेंट्स भी आंसर करें, बिल्कुल गुड जी, काइंडली बकिया भी आंसर करें, ठीक है गुड। यानी आप देखें कि ये मीम मीम, नून फा, अलिफ अलिफ, ज़ौ ऐन और रौ लाम। तो देखे फा की सीध में है नून, ऐन की सीध में है ज़ौ और लाम की सीध में है रौ। तो ये हो गए हरूफे असलिया, ये हो गए रूट लेटर्स, और हरूफे ज़ायदा कौन से होंगे, रेस्ट ऑफ द लेटर्स वुड बी हरूफे ज़ायदा। वो क्या है, वो मीम है, वो अलिफ है और वो गोल ता है। अच्छा, एक और आपका टेस्ट है, आप बताएं ये मुनाज़रातुन इस्म है या फेल है। आपको मीनिंग का नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन बताएं ये इस्म है या फेल है जी। मुनाज़रातुन जो लफ्ज है ये इस्म है या फेल है। अगर कल का लेसन आपको याद है तो क्लियर हो जाएगा, साथ इसकी रीजन भी मेंशन करें। गुड, तनवीन, तनवीन भी है और गोलता भी है। इस लफ्ज में इस्म की दो अलामत पाई जा रही हैं, तनवीन भी और गोलता भी। अब आपसे क्वेश्चन ये है, आप बताएं कि ये जो पूरा एक सर्कल है, ठीक है, इसको खत्म कर दें। आप बताएं कि इन दो अल्फाज में ऐन कलीमा कौन सा है, ऐन कलीमा, ऐन कलीमा कौन सा है जी। ये क्वेश्चन है, इस पूरे लफ्ज में ऐन कलीमा कौन सा है, आंसर करें। गुड गुड, हमने क्या कहा था, ऐन कलीमा वो है जो ऐन की सीध में आ जाए, वो ज़ौ है। तो ये ऐन कलीमा नहीं है, ये ऐन है, ज़ौ ऐन कलीमा है और नून फा कलीमा है और रौ लाम कलीमा है। अच्छा, ये जो रूट लेटर्स हम निकाल रहे हैं नून ज़ौरा, हमने कहा ये नून है और ज़ौ है,
ये रॉ है। ये निकालने का मकसद क्या है? एक मकसद ये है कि जब हम अरेबिक डिक्शनरी को यूज करेंगे, जब अरबी हम मुंजिद देखेंगे, जिस तरह इंग्लिश की डिक्शनरी होती है, तो इंग्लिश में तो ये होता है ना, मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है ना इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, और आपने इसका मीनिंग देखना है, और आपने इंग्लिश डिक्शनरी ओपन की है, आपने पहले आई को ढूंढा है, फिर आपने एम को ढूंढा, फिर पी को ढूंढा, तो ये तरतीब के साथ वो लफ्ज सामने आ जाता है। लेकिन अरेबिक में ऐसी बात नहीं है। अरेबिक में अगर आपने लफ्ज मुनाजरा का मीनिंग देखना है तो सबसे पहले आप इसका वजन निकाल लेंगे, वजन मुफा आलातुन, फिर आप इसके हरूफ असलिया साइड पे करेंगे नून ज़ादरा, और आप हरूफ असलिया की तरतीब से अरेबिक डिक्शनरी को ओपन करेंगे। सबसे पहले आप नून का लेंगे, फिर नून के बाद रॉ आएगा, फिर उसके बाद रॉ आएगा। अगर आपने अरेबिक डिक्शनरी इस तरह देखी कि पहले मीम निकाल लें फिर नून निकाल लें, तो आपको ये लफ्ज कभी नहीं मिलेगा। यानी अरेबिक डिक्शनरी जो कंसल्ट की जाती है और जो देखी जाती है वो हरूफ असलिया की तरतीब से देखी जाती है, इसकी सिंपल तरतीब से नहीं देखी जाती जैसा कि इंग्लिश में होता है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, हरूफ असलिया की पहचान जरूरी है। आपने दो ही बातें याद रखनी है, हरूफ असलिया जो फा ऐन लाम की सीध में आ जाए, ठीक है, हरूफ असलिया जो फा ऐन लाम की सीध में आ जाए, बात खत्म। नंबर दो, जो फा की सीध में है वो फा कलिमा, जो ऐन की सीध में है वो ऐन कलमा, जो लाम की सीध में है वो लाम कलमा। यानी इस पूरे लेसन का जो निचोड़ है वो यही दो जुमले हैं, ठीक है। यहां तक अगर आपकी ये डिस्कशन क्लियर है तो काइंडली मुझे आंसर करें। अगर आप रिपीट चाहते हैं कि इसको रिपीट कर दिया जाए तो मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर करें। रेपिटेशन हो सकती है, कोई इसमें हेजिटेशन की जरूरत नहीं है, झिझकने की जरूरत नहीं है। अभी तक हमारे जो 3 लेक्चर्स हुए हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है, ये बिल्कुल बेस है। रूट लेटर्स का जिसको पता नहीं है उसको अरबी की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। आगे सारी बात ही रूट लेटर्स की होनी है, हरूफ असलिया की होनी है। ये वजन अभी आपको मैं खुद बताया करूंगा, क्योंकि वजन अभी आगे हमने जाकर डिस्कस करनी है, लेकिन हरूफ असलिया आपको निकालने आने चाहिए, ठीक है जी। हम अपने सेकंड पोर्शन की तरफ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। मेरे ख्याल में वीडियो ऑफ हो गई है, जस्ट अ वन मिनट। जी अब वीडियो आ गई है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले स्क्रीनशॉट। देखिए जिन स्टूडेंट्स ने पहले से सरफनों को डिस्कस किया हुआ है, स्टडी किया हुआ है, उनको ये चीजें शायद बिल्कुल सिंपल लग रही हों, लेकिन ये बात याद रखें कि हमारे 4 मंथ्स हैं, हमने आगे बड़ी स्पीड के साथ इसको लेकर चलना है, तो इंशाल्लाह आपको इनका बहुत ज्यादा फायदा होगा। और जिन्होंने पहले से इसको डिस्कस किया हुआ है उनको एटलीस्ट ये फायदा होगा कि हमने इसको टीच किस तरह करना है। तो आप ये भी नियत कर सकते हैं कि हमने इस चीज को अगले लोगों तक कन्वे किस तरह करना है, ठीक है जी। अब हम अरबी तकल्लुम के बारे में थोड़ा सा आते हैं। गुड मॉर्निंग को कहा जाता है सबाह अल खैर, सबाह अल खैर। ये जो अरबी तकल्लुम का पोर्शन है इसमें कोई छुट्टी नहीं होगी, ये आपको वीकेंड में भी सेंड किया जाएगा, उसकी वॉइस मैसेज करके मैं आपको अर्ज कर दिया करूंगा। सबाह अल खैर, गुड मॉर्निंग। आप ये भी कह सकते हैं सबाहन नूर, अगर आपको किसी ने बोला है सबाह अल खैर तो आप कह दें सबाहन नूर, ठीक है। इवन के आप ये भी कह सकते हैं असाद असाद अल्लाह, असाद अल्लाह सबाहक, सबाहक यानी सबाहका, ठीक है, वो वक्फ की सूरत में सबाहक, ये है असादा, असाद अल्लाह सबाहक, के अल्लाह तुम्हारी सुबह को खुशकिस्मत बनाए,
अच्छा बनाए, तो ये गुड मॉर्निंग की जगह बोला जाता है। सबाह अल खैर, सबाह अन नूर, असाद अल्लाह सबाहक, ये तीनों अल्फाज यूज होते हैं। इसी तरह गुड इवनिंग, मसा अल खैर, मसा अल खैर, ठीक है। इसी तरह मसा अन नूर, मसा अन नूर, ठीक है, ये गुड इवनिंग के। अच्छा, इसी तरह ये जो आज आपको मैं पिक्चर सेंड करूंगा, मन हाजा, हु इज दैट पर्सन, मन हाजा, मन कौन, हाजा ये कौन है, तो आप क्या कहेंगे, हाजा सिद्दीकी, ये मेरा भाई दोस्त है, ठीक है, ही इज माई फ्रेंड। हाजा सिद्दीकी, मन हाजा ये कौन है, हाजा सिद्दीकी ये मेरा दोस्त है। इसी तरह आप कह सकते हैं हाजा अखी, ये मेरा भाई है। चले, ये दो तीन चीजें हो गई। अब इसके साथ साथ एक एक्सप्रेशन आपने याद करना है, हम इंग्लिश में कहते हैं ना यू मस्ट डू दैट, कि आपको ये काम जरूर करना चाहिए या आपको ये काम करना चाहिए। अरेबिक में क्या यूज होता है, अलैका, अलैका, अलैका का मतलब है तुम पर लाजिम है, ये बात अलैका तुम पर लाजिम है, तुम पर लाजिम है, अलैका अगर सामने मर्द है, औरत है तो अलैकी, तुम पर लाजिम है, तुम एक औरत पर ज्यादा है तो अलैकुम। उसके बाद आपने क्या कहना है कि तुम्हें जरूर सब्र करना चाहिए, तो आप कहेंगे अलैका बिसबरी, ये बा लगाएंगे और आप कहेंगे बिसबरी कि तुझे सब्र करना चाहिए, इसका ये मतलब है, ये एक्सप्रेशन है। अरबिक जो नेटिव अरब नेटिव स्पीकर्स हैं वो इसी तरह कहते हैं अलैका बिसबर, या कहेंगे अलैकुम बिसबर कि तुम पर लाजिम है सब्र करना, ये सब्र से पहले आपने बा लगा दी है। अच्छा, इसी तरह आप कहेंगे अलैकुम बिल जुहदी, तुम पर मेहनत करना लाजिम है, जुहद मेहनत को कहते हैं, अलैका कह ले, अलैकी कह ले, अलैकुम कह ले, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, ठीक है। अलैकुम बिसबर, सब्र करो, अलैकुम बिल जुहद, मेहनत करो, ये चल जाता है। यानी अलैका का मतलब है कि लाजिम है तुम पर, वैसे अलैका का मतलब होता है तुम पर बस, लेकिन इससे पहले ये लाजिम वाला जो मीनिंग होता है इसको अज्यूम किया जाता है, समझा जाता है। हदीस है ना, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलाफाए राशिदीन, कि लाजिम है तुम पर मेरी सुन्नत और खुलाफाए राशिदीन की सुन्नत। तो आपने जो भी कहना है कि तुम्हें यह करना चाहिए, तुम्हें फला काम करना चाहिए, आप क्या कर ले, बी लगाकर, बाजर बी, तो उसके बाद अलिफ लाम लगाकर आप वो लफ्ज लिख दें, ठीक है। अलैकुम बिशुक्र, शुक्र करना तुम पर लाजिम है, अलैकुम बिसब, अलैकुम बिल जुहद, अलैकुम बिल किराआ, किराअत करना तुम पर लाजिम है, अलैकुम बिकिराअतिल कुरान, तुम पर कुरान पाक की किराअत करना लाजिम है अगर वो ज्यादा है। इसी तरह आप कह सकते हैं अलैका बिइकामतिस सलात, बिइकामतिस सलात, तुम पर नमाज को कायम करना लाजिम है, मतलब कि तुम्हें यह करना चाहिए। तो ये एक एक्सप्रेशन है कि आप अलैका लेकर आए, उसके बाद बाजर बी लगाए और अलिफ लाम के साथ आप आगे वो लफ्ज लिख दें, लेकिन आप कहेंगे बिसबरी बिल जुहदी बिशुक्री बिइकामतिस सलाती, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है। मजीद इसके मैं आपको सेंटेंसेस सेंड कर दूंगा। जी डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी कंप्लीट हुई है, इसको आपने बार बार देकर ये वजन की मैं कुछ तीन चार एग्जांपल्स लिख दूंगा, आपने खुद उनका वजन बनाकर कोशिश करनी है और बताना है कि इसमें हुरूफ़े असलिया कौन से हैं और इसमें फा कलिमा, आइन कलिमा और लाम कलिमा कौन सा है। जी, आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है, दुआ में याद रखिएगा इसकी रिकॉर्डिंग। अच्छा, जस्ट वन मिनट, एक अनाउंसमेंट है, आपने क्या करना है, विद इन दीज टू डेज मेरा नंबर जरूर सेव कर लें। काफी ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नंबर सेव नहीं किया हुआ, काइंडली आप नंबर जरूर सेव कर लें, क्योंकि मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है और फिर उसके थ्रू सबसे जो कम्युनिकेशन होती है वो आसान हो जाती है। एक तो आप नंबर सेव करें, ठीक है, जो 0348 वाला नंबर है, 4606963। नंबर टू,
ग्रुप में जितने भी मैसेजेस आते हैं वो किसी एक स्टूडेंट के लिए नहीं होते। काइंडली सभी स्टूडेंट्स उन मैसेजेस को सुना करें। आप लोग उन मैसेजेस को सुनते नहीं हैं और पर्सनल मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं। तो फिर जो व्हाट्सएप का हमारा प्राइवेट ग्रुप है उसमें जितने भी मैसेजेस आते हैं बराए करम आप उन मैसेजेस को जरूर सुना करें। जजाक अल्लाह खैरा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मअ सलामति इलल लिका।